हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। रात के बज रहे हैं 9:30 और 11 बजे समथिंग हमारी बस है। कहाँ जाएंगे वो आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मम्मी और भाभी कर रहे हैं तैयारी और मैं कर लेती हूँ अपना बैकपैक और भरत जी का भी। तो यहाँ हमारी मोनिका भाभी मेरे लिए तैयार कर रही हैं साड़ी फॉल लगा के। ये साड़ी मैं कहीं पहन के जाने वाली हूँ, तो थैंक यू, वेलकम। तो एक साड़ी मोनिका भाभी तैयार कर रहे हैं, दूसरी साड़ी मम्मी तैयार कर रही है। मम्मी नीली गिट्टक से और बाकी दूसरे गिट्टक मिल गए इसकी इसकी वो इसका दादा है ना खोल नीचे टाका नीचे टाका इसका बच्ची को लगा दिया। अच्छा ओके। हेलो कोमल दीदी, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ पिक कर रहे हो? आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता इसीलिए तो नहीं। मोनिका को पता है, हम सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तब तक मैं बैकपैक कर रही हूँ आराम से, अच्छे से 2-3 साड़ियाँ ले लेती हूँ और हम मस्त घूम के आते हैं। हाँ यही है, ये है हमारी बस। बाय बाय, चल। तो बस काफी अच्छी लग रही है मुझे, पता नहीं भरत जी कहाँ चले गए। कोई नहीं, मैं चली जाऊंगी। ये है हमारी बस, मुझे अच्छी लगती है ये वाली, काफ़ी अच्छी है फैसिलिटी वगैरह। ये भरत जी आती है इसमें चप्पल ज़रूर रखते हैं। मैं नीचे खोलती हूँ। तो हम चले घूमने। भरत जी बस कैसी लगी ये वाली? ये वाली तो अच्छी है। तत्ये तत्ये मेरे तत्ये। ये सामान पहली बार मैं ऐसी बस में बैठी हूँ जिसमें लाइट चलाने पे लाइट चल गई है। भरत जी मजा है? हाँ अपन घूमने जा रहे हैं। घूमने नहीं जा रहे बेटा, घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वहाँ से खाली इधर ही आना पड़ेगा। तो आप लोगों को समझ आया कि हम कहाँ गए हैं? हम आए हैं अहमदाबाद 1 या 2 दिन के लिए घूमने के लिए। तो कैसा रहता है हमारा टूर वो हम देखते हैं। मैंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया। This lift is so horrifying भाई साहब। मतलब देख के डर जाए इंसान। नहीं नहीं ठीक है चलेगा चलेगा, खुल जा समझे। ओ भाई कैपेसिटी 3 थर्ड फ्लोर। ये तो सरासर गलत बात है। भैया रिसेप्शनिस्ट आप हो? ऑनलाइन बुक करवाया था।
जैसा ऑनलाइन में दिख रहा था वैसा है। तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं आज अहमदाबाद और हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे दर्शन करने। तो हम आए हैं एक होटल में और जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करवाया था और हो गई हमारे साथ चोट। ऑनलाइन में ऑफ़र थी 760 की, यहाँ पे आके बोलते हैं 1500 पे करना पड़ेगा। हम ओयो पे हैं ही नहीं तो हमें और एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और जैसा रूम दिखाया वैसा रूम है नहीं, पूरा अलग है। पहले तो बिल्कुल घटिया कमरा दिया था, फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मीन्स नहाने के लिए साबुन भी नहीं है, कंघा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शैम्पू दे दिया, नहा लेना इससे, आराम ऐसी होटल सोच समझ के आना आप लोग। एसी में भी हवा नहीं आ रही अभी तो ढंग से। ये है गुजरात का खाना, खा के देखो कैसा है। गुजरात का प्रसिद्ध जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा है कैसा? शानदार। मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। मस्त है यार। तो हम खाना खा के आए और सो गए। उसके बाद में डायरेक्ट उठे रात को 8 बजे, और 8 बजे उठने के बाद में हम घूमने की जगह ढूंढ रहे तो हमें कुछ मिला नहीं। सिंपली हम चले गए मॉल में और डी मार्ट में, तो वो आप देखिए। कहाँ गया? क्या ले रहे हो कोमल जी? क्या खरीदारी हो रही है आपके? अहमदाबाद से सामान खरीद के ले जा रहा। क्या खरीद के ले जा रही हो? अच्छे अच्छा अच्छा है। तो कोमल जी आप क्या खाना खाओगे अभी? रोटी सब्जी बस। होटल कैसा लगा आपको? सुंदर है। खाना बाहर का पता चलेगा। आज कुछ नहीं किया इन्होंने, बस जाकर होटल में सो गए, ठीक है। और उसके बाद में क्या उठेंगे शाम को, कहाँ कहाँ घूमने जाना था आज सब कैंसिल कर दिया। कल सुबह दर्शन करने जाएंगे। किसी को कैसे आ सकती है? मेरे को आती। 8 घंटे सोए। मजा आई यार, नींद पूरी हो गई आज। तो देखो सबसे पहले तो आया है ये पापड़। तो मैं ये पापड़ को एक बार अब टेस्ट करके देखो। तो भरत जी को ज्यादा भूख लग रही है, वो इन्होंने पता नहीं कौन सी चटनी रखी है। और यहाँ आया है पापड़। बताओ क्या ये राजस्थान में जैसा पापड़ होता है वैसा ही यहाँ पे है या अलग है? ये बिल्कुल भी चरका नहीं है पापड़। गुजरात की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे खाना चरका नहीं मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फीका पापड़ है। अच्छा है। सब्जी खाने वाली थी कोमल सोनी, जो अब मंचूरियन नूडल्स खा लिए। क्या कहना चाहोगे आप मैडम? टेस्ट करके तो देखो। हाउ इज इट? एवरेज। अच्छा है, जलका बिल्कुल नहीं है। मजा आ गया। काफी टेस्टी है। अब मैं भी खाती नहीं है। हां हां, नमक कम है बस, बाकी तो अच्छी है। नमक वो पड़ा है ना,
जल्दी टेस्ट करके बता दो कैसी है ये भी फिलहाल। ये जब इतने सामान मंगवाए सारे अच्छे थे यार। पिकी पिकी। मसाला नहीं है, गरम मसाला बिल्कुल नहीं। ये है अहमदाबाद। मेरे को यहाँ पे एक चीज़ बहुत खतरनाक नजर आ रही है, वो पिज़्ज़ा जोन, पर मुझे अब पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे बैठ के देखने में। नींद निकालने की वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं घूम नहीं पाए और रात को आ गए थे हम 10-11 बजे समथिंग वापस से होटल में, और फिर हम थक गए थे। वैसे भी पूरे दिन ट्रैवल करके आते और ऐसे थक जाते हैं, तो दोनों को नींद ही नींद आ रही थी, तो फिर सो गए। और अगले दिन भी हमारे साथ काफ़ी सारी चोट हुई, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम हुआ ही नहीं। जाने वाले थे अंबाजी, बट अंबाजी का कैंसिल हो गया। उसके बाद में भी इतने मतलब प्रॉब्लम्स आई कि हम जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ नेक्स्ट डे का। तब तक के लिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।